फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस देखें ये तो काफ़ी बड़ा एक्ट है, बट देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी इसमें हैं, बट देन हम कोशिश करेंगे कि वो सब समझ आए आपको। तो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए जी, और रियल लाइफ में भी आप देखेंगे तो आप ऐसी प्रॉब्लम सच्ची में फेस करेंगे, तो हाउ टू टैकल दोस इश्यूज वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। चलिए जी, नाउ अभी नोट्स खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले समझते हैं कि डिस्प्यूट क्या नाम लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। नाम से पता चल रहा है कि 1947 में आया। एप्लीकेबिलिटी और वो सब हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। क्या समझ आता है इस वर्ड से, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? मतलब इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आ रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है ना? हमको ये देखना है कि कौन से डिस्प्यूट की बात हो रही है। तो आप ये देखिए, डिस्प्यूट क्या लिखा मैंने, डिस्प्यूट जरूर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आ रहे होंगे, दैट इज व्हाई दिस एक्ट केम इनटू पिक्चर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कॉमन सेंस लगाइए कि डिस्प्यूट किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में किन लोगों के बीच में हो रहे होंगे। क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉस के बीच में, हमारे बीच में? बहुत ऑब्वियस बात है। सो कैन आई से एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय? भाई बहुत ऑब्वियस रीजन है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं। ठीक है जी, पहली बात तो समझ आती है। तो डिस्प्यूट में अगर मैं लिखूं, सबसे पहले मैंने लिखा डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट किन लोगों के बीच में हो सकते हैं? डिस्प्यूट मे बी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर को हम ई रेस टू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है जी, डिस्प्यूट हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। और किन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि दो वर्कर ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं? बहुत कॉमन रीजन है। कभी कभी झगड़ा करते करते बात इतनी पहुंच जाती है कि कोई ना कोई वॉलेंट एक्ट कर दिया लोगों ने। ठीक है ना, तो डिस्प्यूट कैन बी बिटवीन एम्प्लॉय एंड अनदर एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉयज के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिखिए बिटवीन, कोशिश करिए अभी कॉपी ना करें, सिर्फ समझिए, बिटवीन एम्प्लॉय, ई रेस टू ई इज एम्प्लॉय, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। अच्छा जी, क्या कभी दो एम्प्लॉयर्स झगड़ सकते हैं? मैम दो एम्प्लॉयर कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की चलती है। ठीक है ना, ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, तो एक अलग अलग लेवल। तो एक इंडस्ट्री में दो एम्प्लॉयर डेफिनेटली हो सकते हैं, तो दो एम्प्लॉयर के बीच में भी झगड़ा हो सकता है। पहला वाला बोल सकते हैं कि भाई आपने हमारे सप्लायर को ऐसा बोल दिया, आपने हमारे वर्कर्स को ऐसे परेशान किया, हो सकता है कि नहीं? या फिर आप पूरा का पूरा इंडस्ट्री को जो है बेसिकली उसको डिसएडवांटेज कर रहे हो। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली दो एम्प्लॉयर के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, क्वाइट कॉमन, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, पॉसिबल है। बट हाँ, इस बात को हम नहीं डिनाई कर सकते कि मैक्सिमम इश्यूज कहाँ आते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है ना, यानी मालिक और वर्कर के बीच में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट आने वाले हैं। क्या ये बात समझ आती है? ना, डिस्प्यूट्स इन लोगों के बीच में है ये हमने डिसाइड किया, बट पॉइंट ये है कि डिस्प्यूट्स का कारण क्या हो सकता है। अब डिस्प्यूट्स अगर हमने देखा तो हमको इसका रीजन भी समझ आना चाहिए कि भैया क्या कारण है कि डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है ना, डिस्प्यूट का रीजन क्या है, सोच के बताइए। पर्सनल इश्यूज पर डिस्प्यूट होंगे क्या? नहीं, पर्सनल इश्यूज की बात अलग है, बट यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकल और लॉजिकल रीजन कि डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। तो डिस्प्यूट का रीजन हो सकता है आपकी वर्किंग को लेके हो, डिस्प्यूट का रीजन आपकी वर्किंग से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा, और डिस्प्यूट का रीजन वेजेस से रिलेटेड भी हो सकता है। वर्किंग से रिलेटेड का मतलब, वर्किंग से रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं? भाई मुझे आपकी वर्किंग से रिलेटेड क्या इश्यूज आएंगे बताइए जी? आपका वर्किंग आवर्स ठीक नहीं है, यू नो,
ऑड टाइम पे काम कराया जा रहा है। तो यहाँ पे वेजेस की अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो वर्किंग आवर्स को लेके डिस्प्यूट हो सकता है। मालिक बोलता है कि नॉर्मल डे, हम लोगों ने किसी दूसरे एक्ट में पढ़ा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किया जाता है कि नॉर्मल डे किसको बोलेंगे, हाउ मेनी आवर्स विल कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। ठीक है, एम्प्लॉय बोलता है कि सर जी 8 आवर्स विल कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं 10 घंटे काम करो तब उसको नॉर्मल वर्किंग डे माना जाएगा। तो आपके वर्किंग आवर्स को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा, वर्किंग कंडीशंस को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। कंडीशन समझते हैं, जिस कंडीशन में काम हो रहा है उस कंडीशन को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। एटमोस्फेयर को लेके कि सर आपने जो है बेसिकली वेंटिलेशन ही नहीं कर रखा है फैक्ट्री में, हम किस इनह्यूमन कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो वर्किंग कंडीशंस को लेके भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। माइंड इट, जब मैं ये दोनों पॉइंट्स लिख रही हूँ, मेरा कवरेज सिर्फ ये दोनों नहीं है, मैं ओवरऑल एक बैकग्राउंड आपको देना चाहती हूँ कि कौन कौन से रीजन पॉसिबल हैं। डेफिनेटली हम जो लिख रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अभी एक जनरल आइडिया दे रही हूँ आपको। तो वर्किंग आवर्स को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, सेम वे हमारी वर्किंग कंडीशंस को लेके भी डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, ये दो फैक्टर हुए। अगर वेजेस की बात करूं तो वेजेस में किस टाइप के डिस्प्यूट होगा बताइए जी। वेजेस में सबसे पहले क्या मैं बात कर सकती हूँ कि अमाउंट को लेके पंगा हो सकता है कि भैया आपका अमाउंट कम है या ज्यादा है। तो वेजेस में हम बात कर सकते हैं अमाउंट, somebody saying मैम रेट को लेके क्यों नहीं। अरे भाई अल्टीमेटली रेट विल कन्वर्ट, रेट का क्या करोगे, अगर पर आर है तो रेट को मल्टीप्लाई आर से करोगे, अगर रेट पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई यूनिट से करोगे, ओवरऑल तो अमाउंट ही आएगा ना। क्या ये बात समझ आती है, ओवरऑल तो अमाउंट ही आएगा। तो वेजेस में आपका आपका अमाउंट ऑफ वेजेस को लेके झगड़ा हो सकता है। ठीक है जी, वेजेस के अमाउंट को लेके आपका डिस्प्यूट हो सकता है। दूसरा, टाइमली पेमेंट होना चाहिए वेजेस का। हमने एक एक्ट पढ़ा हुआ है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ा है कि नहीं सबने। वहां पे हमने देखा था कि वेजेस को कभी कभी पे करना है, वो टाइम बताते वेज पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे उसको लेकर भी फाइट हो सकती है। लॉ ने दे दिया वो अलग बात है, बट अदर देन दैट एक वेजेस में आपका ये भी झगड़ा हो सकता है कि टाइम को लेके, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, इस बात को लेके भी झगड़ा हो सकता है। क्या ये बात समझ आती है। तो हमारे देखा वर्किंग को लेके झगड़ा हुआ, वेजेस को लेके डिस्प्यूट हुआ। कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं अगर हम इन जनरल बात करें, लेकिन कॉम्पनसेशन को लेके डिस्प्यूट हो सकता है। फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया, नाउ वर्कर इज ऑब्वियसली एंटाइटल्ड और एलिजिबल फॉर कॉम्पनसेशन, बट एम्प्लॉयर उस अमाउंट को लेके वो फिगर आउट नहीं कर पाने की कितना कॉम्पनसेशन दे, तो दोनों के बीच डिस्प्यूट हो सकता है। अब हमको समझना है सबसे पहले इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट्स के रीजन मोटा मोटी रीजंस है, और भी रीजंस हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा। डिस्प्यूट्स हुए, उसके रीजंस क्या है, अब उसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्यूट का क्या रिजल्ट होगा बताइए जी। क्या होने वाला है डिस्प्यूट में, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, क्या रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, नहीं रिलेशनशिप आपका बैड हो जाएगा। तो डिस्प्यूट का रिजल्ट ये हुआ कि आपके जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप में आइडियली अगर हम देखें तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, बट बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, बैड रिलेशन, स्टिफ रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप हैम्पर हो रहे हैं। यानी अब आप देखो बातचीत नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट क्या कोई अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगी, नहीं, रिलेशनशिप आपका बैड हो रहा है, स्टिफ हो रहा है, हैम्पर हो रहा है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिलेशनशिप आपका हैम्पर हो रहा है, क्या इस एनवायरनमेंट में काम अच्छे से हो पाएगा। भाई अल्टीमेटली रिलेशनशिप का हमको कुछ नहीं करना, हमको तो मतलब है कि फैक्ट्री में अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट से मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सेल कितनी हो रही है, काम से मतलब है। तो क्या ऐसे एनवायरनमेंट में काम ठीक से हो पाएगा, व्हाट डू यू से,
जब आपके रिलेशनशिप इतने स्टिफ हैं तो आपका काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स अल्टीमेटली इससे कौन इफेक्ट होगा, हम अगर देखें वो आर द पर्संस, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लिखूं, वो विल बी इफेक्टेड, वो विल बी इफेक्टेड, इन सब चीजों का किस पे इफेक्ट आएगा बताइए जी। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका इफेक्ट सबसे पहले किस पे आएगा, सबसे पहले डेफिनेटली एम्प्लॉयर का नुकसान है भाई। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां लोगों के बीच रिलेशनशिप इतने स्टिफ हैं, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, वहां पे एम्प्लॉयर का नुकसान है, काम नहीं होगा तो नुकसान किसका, पहला पर्सन मुझे दिखता है ओनर, दैट इज द एम्प्लॉयर, उसका नुकसान। अच्छा जी, एम्प्लॉयर के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या नुकसान एम्प्लॉयी का नहीं होगा भाई, आप काम कर रहे हो तो काम के अलावा अदर देन द सैलरी एक वर्क सेटिस्फेक्शन भी हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। खुश मन से काम करेंगे, काम अच्छे से होगा, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां काम पे जाने से पहले यू नो स्ट्रेस फील हो रहा है, एम्प्लॉयी के ऊपर भी क्या पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। हमने देखा एम्प्लॉयर इफेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयी इफेक्ट हो रहा है, और क्या उस सिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या सिटी से भी पहले मैं बात करूं तो क्या उस इंडस्ट्री पे इफेक्ट हुआ जहां ये डिस्प्यूट्स बेसिकली आ रहे हैं। हाँ जी, तो हमारी जो इंडस्ट्री है उस पे भी इसका बुरा असर दिखेगा, हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे। फिर वो इंडस्ट्री जिस सिटी पे है क्या उस पे इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उस सिटी पे, उस पूरे के पूरे स्टेट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये बात समझ आई। और ये चीज सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहेगी, उसका इफेक्ट जो है वो पूरे के पूरे कंट्री पे भी आएगा। आई एम सॉरी, कंट्री, बिकॉज वी बिलोंग टू इंडिया, तो मैंने इंडिया लिखा, तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो आ रहा है वो कंट्री पे भी आ रहा है, क्या ये बात समझ आई। तो आप एक बात बहुत सीधे से समझोगे, ये जो सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स है इसका इफेक्ट ओवरऑल सिर्फ पहली नजर में लगता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई पे आ रहा है, बट नहीं, एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉई पे, उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे, स्टेट पे, एज अ कंट्री एज अ होल पे इफेक्ट आ रहा है, रिलेशनशिप्स बैड हो रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कौन लेके आया, इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आया इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इज दिस ओके, इतनी बात समझ आई। अब ये एक्ट क्या बोलता है, ये एक्ट बोलता है कि हमको यहाँ जो रिलेशनशिप खराब हो गई है, हमको रिलेशनशिप को एक यू नो सेटल कराने हैं, डिस्प्यूट को एक एमिकेबल सेटलमेंट आपको कराना होगा, जो दोनों पार्टीज को बेसिकली अग्री करा ले, मंजूर हो, ऐसा बीच का रास्ता निकालेगा ये वाला एक्ट, ये बात समझ आती है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिस्प्यूट है तो भैया उसका सेटलमेंट कराओ, कोई बीच का रास्ता निकालो, वी हैव टू डिराइव अ एमिकेबल सेटलमेंट, ठीक है, विच इज बेसिकली अग्रीएबल टू बोथ द पार्टीज। तो हमको ऐसा कोई सेटलमेंट कराना पड़ेगा, प्लस कोशिश ये होनी चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा डिस्प्यूट अराइज ना हो, ठीक है ना। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली क्या करता है, सेटलमेंट कराता है, हार्मनी रहती है रिलेशनशिप्स में दोनों पार्टीज के बीच में, ये पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। इतना समझ आया क्या, इसमें कोई डिफिकल्टी, ये आपका बेस है। देखो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का, यहाँ से हम प्रोविजंस पढ़ना शुरू करेंगे, बट ये बैकग्राउंड या बेस बहुत अच्छे से हमको आना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप देखो तो डिस्प्यूट के बहुत खराब होंगे, फायदा किसी का भी नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली हमने ये सीरीज देखी, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम से नुकसान इन इन सब लोगों का होगा। सो हमको कॉन्सिक्वेंसेस हम डिटेल में समझेंगे कि स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, एज ऑफ नाउ मैंने कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं यूज किया, ये जस्ट एक बैकग्राउंड है। अब हम फाइनली देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे, इतना लिखिए अच्छे से। ओके, अगर इतना हो गया है तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसे डिस्प्यूट्स ऐसा नहीं है कि सीधा 1947 में डिस्प्यूट्स अराइज हुए एंड गवर्नमेंट ब्रिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट, ऐसा नहीं है।
डिस्प्यूट्स की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी. यू कांट इवन इमेजिन 1860 में एक एक्ट आया था फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. अब हम वो बैकग्राउंड लिख रहे हैं बिकॉज एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट विल बी द फर्स्ट इनेक्टमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. और अगर आप आंसर देते हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो वो आंसर गलत होगा बिकॉज उससे पहले भी दो तीन हमारे पास एक्ट आ चुके हैं जो कि आज की तारीख में वैलिड नहीं है. बट एज अ स्टूडेंट हमें नाम तो पता ही होना चाहिए. ठीक है जी, तो इतना अगर नोट हो गया है तो हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आने से पहले कौन कौन से इनेक्टमेंट आए थे, वो कब लैप्स हुए और फाइनली ये आया तो क्यों आया, बाकी पुराने एक्ट क्यों नहीं वैलिड रहे. चलिए जी, हेडिंग डालिए हिस्ट्री. आई नो हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट रहा है सबका बचपन से, हमेशा हिस्ट्री की क्लास में नींद आती है. बट हमारी हिस्ट्री आई गेस हम पढ़ने वाले हैं ओनली फॉर 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं. सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का हिस्ट्री लिखिए. चलिए हेडिंग डाला हिस्ट्री. तो सबसे पहला एक्ट जो आया था, सबसे पहला इनेक्टमेंट जो आया था हमारे पास, उसका नाम था एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860. ठीक है जी, नाम लिखिए. ये तो अभी एग्जिस्टिंग है, ये एप्लीकेबल है, ये सारे जो पहले आए थे वो लिख रही हूं. तो पहला है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट, Employer and Workmen Dispute Act 1860. ठीक है, देखिए जी 1860 में सबसे पहले एक्ट आ गया था डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए. जब ये एक्ट आ गया था तो इस एक्ट को क्यों हटाया गया, ये ऑब्वियसली इसको लैप्स किया गया तभी ये एक्ट आया ना. देखो ये जो एक्ट था ना, दिस एक्ट एक्चुअली स्टेट वेरी मच अगेंस्ट द लेबर्स और वर्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ना वर्कर्स के लिए बहुत अगेंस्ट में था, इसलिए ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया. देखो कोई भी एक्ट आता है ना, अगर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करें, वो तभी चलेगा जब दोनों पार्टीज के लिए फेयर इनफ हो. ठीक है ना, ये वर्कर्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में था इसलिए ये चला गया. बट देन एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द फर्स्ट इनेक्टमेंट, तो योर आंसर शुड बी एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1860. ठीक है जी, वेरी मच अगेंस्ट द वर्कर्स. ओके चलिए अगला लिखिए. अगला कौन सा एक्ट आया, नेक्स्ट आया आपका 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट. ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929. अच्छा, अगर साइड में थोड़ा बहुत रीजन यू नो कभी कभी वो पूछ ले तो लिख लीजिए वेरी मच. बहुत गंदी आदत आज के एसएमएस और इन सब की वजह से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं. वेरी मच अगेंस्ट द वर्कर्स, इतना लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये क्यों लैप्स हुआ, इसको क्यों हटाया गया. अच्छा, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929. अभी देखो अभी प्रेजेंटली कौन सा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब ये वाला भी नहीं चला भाई, ऑब्वियसली बात है ना कि इस वाले को भी हटाया गया. इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि इसको हटाया गया. देखो ये वाला जो एक्ट है ना, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, इसमें बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने स्पेशल प्रोविजंस लेके आए, वो लोग लॉ मेकर स्पेशल प्रोविजंस लेके आए किस लिए, स्ट्राइक्स के लिए. उसी से प्रेरित होके बेसिकली हमारे जो इंडिपेंडेंस वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया, वो लोग बार बार धरना देते थे और इस टाइप से. जस्ट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, पॉइंट इज कि ये वाला जो एक्ट है ये स्पेशल प्रोविजंस लेके आया रिगार्डिंग द स्ट्राइक्स. ठीक है ना, तो स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा होने लग गई, उस वजह से लोगों ने एक्ट को पढ़ पढ़ के स्ट्राइक्स करने लग गए, इसीलिए ये वाले एक्ट को भी बैन कर दिया गया, हटा दिया गया. तो यहाँ एक्ट में एक छोटी सी लाइन, अगर हम इसका समरी लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्ट्राइक. स्पेशल स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्ट्राइक्स. ठीक है ना, अब स्ट्राइक क्या होता है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमारे पास अभी आएगा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट में. ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया है कि भैया स्ट्राइक कर दी तो ये वाला वो स्ट्राइक है. ठीक है जी, इतना क्लियर. अच्छा, ये वाला आया, इसमें स्ट्राइक्स को लेके बहुत प्रोविजंस थे. फिर हमारे पास एक और आया, क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आ गया, नहीं. देखो 1929 के बाद हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया,
एंड सेकेंड वन डॉट के यू नो स्ट्रेस, जब भी कोई वॉर होती है कहीं भी, ओवरऑल सिनेरियो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो उस स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में हमारे पास एक रूल नंबर 81A बेसिकली आया ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स. वो बोलता है कि भैया स्ट्राइक्स को बैन करो. इस एक्ट से इन्फ्लुएंस होकर लोग बहुत स्ट्राइक करने लग गए, इसीलिए हमारे पास एक नया आया जिसका नाम है रूल 81A ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स. लिख लीजिए इसको, रूल 81A ऑफ, रूल 81A ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स. ठीक है जी, रूल 81A ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ये आया. ये इसलिए आया क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ देखो सीरीज से पढ़ोगे तो बहुत समझ आएगा. यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग स्ट्राइक है, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने स्ट्राइक को बैन कर दिया. ये बात समझ आती है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक को बैन किया. लिखिए बैन स्ट्राइक्स. अच्छा, स्ट्राइक्स को बैन करने के बाद बोला कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है देन यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर. एक मीडिएटर को बुलाओ, उसको बोलो कि भैया तुम सेटलमेंट करो डिस्प्यूट का. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए काम नहीं करना है, स्ट्राइक कर दी. सीजेशन ऑफ वर्क शुड नॉट बी देयर. तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट. ये कभी आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ड्यूरिंग, लिख लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 81A ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ये आया. इसने स्ट्राइक को बैन किया और बोला कि एनी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट शुड बी कंपल्सरीली रेफर टू. मैंने क्या वर्ड यूज किया था, मीडिएटर. इसको वो बोलते कंसाइलिएशन और एडजुडिकेशन. ये दो वर्ड्स अभी फॉर द टाइम बीइंग लिख लीजिए. मैं दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में लेके थोड़ी देर बाद, अभी नहीं. तो कंसाइलिएशन शॉर्ट में समझना चाहें तो मीडिएटर या फिर कोर्ट. ठीक है ना. फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेस, उस स्ट्रेस में आके सरकार ने एक्ट तो ले आई, एक्ट का मतलब रूल 81A तो ले आई, चल नहीं पाया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन नॉर्मल हुई तो इसको हटा दिया गया. और फाइनली हाँ जी, अब और कोई नया नाम नहीं बताऊंगी, फाइनली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू पिक्चर. तो यहाँ पे लिख लीजिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रूल 81A. ठीक है ना, टर्मिनेशन या आप टर्मिनेशन लिखिए या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखिए, रूल 81A लैप्स ऑन डेट दी हुई है 1st अक्टूबर 1946 एंड फाइनली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू पिक्चर. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इतनी बात क्लियर है. चलिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आ गया, बैकग्राउंड हमने समझ लिया कि क्यों ये पर्टिकुलर एक्ट आया. डोंट यू थिंक अब हमको अगली बात करनी चाहिए कि मैडम ये क्या था, क्यों आया, हिस्ट्री सब समझ आ गया. आई सेड ओनली कि 5 मिनट्स लूंगी मैं. पॉइंट इज कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है मैम, ये तो बताइए. तो ठीक है जी, अब हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की. फटाफट से हेडिंग डालिए एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा बताइए जी, कहाँ एप्लीकेबल होगा. एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, तो दिस एक्ट, ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की हम हमेशा पहले बात करते हैं कि ये इंडिया में लगेगा, पूरे इंडिया में लगेगा या जम्मू कश्मीर पे नहीं लगेगा. ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेबिलिटी
एप्लीकेबिलिटी में आई कैन से दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. व्हेन आई से होल ऑफ इंडिया, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए, होल ऑफ इंडिया दैट मीन्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. हम हमेशा ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमारे आर्टिकल नंबर 370 कॉन्स्टिट्यूशन के ने स्पेशल स्टेटस दिया है, ठीक है जी. तो कोई भी एक्ट लगने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट को पूछना पड़ता है कि भैया आपके ऊपर ये एक्ट लगाएं या नहीं लगाएं. अब जम्मू कश्मीर सरकार बोलती है कि भैया हमारे यहाँ भी बहुत डिस्प्यूट हो रहे हैं, हमको भी कोई ना कोई डिस्प्यूट सेटल करने वाला एक्ट चाहिए, तो ये एक्ट वहाँ भी एप्लीकेबल होगा. तो आपसे पूछा जा सकता है एप्लीकेबिलिटी में इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है जी. इतनी बात समझ आती है. कुछ बातें छोटी छोटी मैं करना चाहूँगी कि ये हमेशा लगेगा होल ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पे लगेगा एंड नॉट ऑन डेड इंडस्ट्री. इट इज एप्लीकेबल ऑन एग्जिस्टिंग, यानी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है उस पे, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एंड नॉट ऑन डेड इंडस्ट्री. डेड इंडस्ट्री समझते हैं क्या? जो इंडस्ट्री अब एग्जिस्ट ही नहीं करती उस पे ये वाला एक्ट नहीं लगाना है. जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है हमको सिर्फ उस पे ही ये वाला एक्ट लगाना है, ठीक है जी. अच्छा, अब मुझे बताइए गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज विच आर एक्चुअली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा या फिर गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स हैं? बताइए जी. यस, उनके ऊपर भी हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगने वाला है. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एप्लीकेबिलिटी में, एप्लीकेबल ऑन इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे, जो है इंडस्ट्री दोनों पे लगने वाला है, ठीक है जी. इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट, ये पॉइंट लिखने की आगे जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं कास्ट एंड रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब पे लगने वाली है. ये बात समझ आती है, ठीक है. इतना ये जनरल बात थी. अब जो हम कर रहे हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट समझ लिया, डिस्प्यूट को आपने समझा. अब इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं, डिटेल्ड में आपको समझना पड़ेगा कि किसको हम इंडस्ट्री बोलेंगे किसको इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे. इंडस्ट्री क्या मतलब होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है इंडस्ट्री. एंड यहाँ पे स्पेशली इसको बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है इंडस्ट्री को. किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडस्ट्री की. देखो एक केस हुआ था, कौन सा केस था, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा एंड अदर्स, जो लैंडमार्क केस है. यहाँ पे इंडस्ट्री के डेफिनेशन के लिए जो लैंडमार्क केस हुआ था वो आपको याद रखना पड़ेगा नाम, किस लॉ का नाम है, क्योंकि इस केस लॉ से ही हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन को डिराइव करेंगे. तो केस लॉ का नाम लिखिए, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, ठीक है जी. बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, ये बेसिकली बात करता है इंडस्ट्री को. बहुत ही ब्रॉड इन्होंने बहुत ही वाइड डेफिनेशन वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है. चलिए इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब सबसे पहले एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कैजुअल काम नहीं चलेगा. एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए जो बेसिकली दो लोग यू नो कुछ लोग मिलके करे, कॉपरेशन होना चाहिए. आइसोलेशन में कोई काम कर रहा है तो उसको इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे. सो इंडस्ट्री में हमने देखा, इंडस्ट्री ये तो केस लॉ हो गया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट वैसे मीनिंग देखे अगर हम, इंडस्ट्री का मतलब है अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी. वर्ड्स को बहुत ध्यान से लिखिएगा, इंडस्ट्री क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है
जो कि ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये सिस्टमेटिक एक्टिविटी कौन करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा कॉर्पोरेशन, किसके बीच में, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में, ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉर्पोरेशन, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉर्पोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर ई रेस टू आर एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ठीक है जी। एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसमें एम ई एन लिख लीजिए, प्लूरल कर लीजिए, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन मिलके ये काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भैया, एक्टिविटी कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे, सप्लाई कर रहे होंगे या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। तो मेरे पास तीन वर्ड आते हैं, फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई, या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस चीज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या ये इतनी बात समझ आती है। ध्यान रखना है कि तीनों एक साथ होंगे, सिस्टमेटिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय फॉर प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी बात तक तो ठीक था। अब जो हम बात करने वाले हैं ना, सारे पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डू यू थिंक कि इंडस्ट्री के लिए क्या कैपिटल का इन्वेस्ट होना मस्ट है टू स्टेट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज इंडस्ट्री, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना कंपल्सरी है? हाँ मैम, ऊपर से तो लगता है, क्योंकि हम अकाउंट्स के स्टूडेंट रहे हैं, हम हमेशा बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन ही यहाँ से करते थे। लेट्स से मिस्टर राम की अगर मैं बात करूँ तो राम इन्वेस्टेड कैपिटल रुपीज इतना, यहीं से बेसिकली आप क्या करते थे, हम एंट्री नहीं करते थे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे ना, बैलेंस शीट में तो बिना कैपिटल के बनती ही नहीं है। हाँ जी, तो मैम अगर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की है मतलब वो बिजनेस नहीं है, मतलब वो इंडस्ट्री नहीं होगी, क्या ये बात ठीक है? नहीं, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि इस केस में, कौन से केस में, बैंगलोर, बाय द वे बैंगलोर की स्पेलिंग सॉरी गलत लिखी है, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, ये जो केस लो आया इसने बहुत ही वाइड डेफिनेशन दी, एंड वहां पे इन्होंने बोला कि कैपिटल इन्वेस्ट की हो या नहीं की हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। भैया कैपिटल इन्वेस्ट है तो फॉर श्योर इंडस्ट्री है, कैपिटल इज नॉट इन्वेस्टेड स्टिल दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विल बी कंसीडर्ड अंडर अ इंडस्ट्री, क्या ये बात समझ आती है? इसलिए नोट्स में लिखा हुआ है वेदर और नॉट, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री में वेदर और नॉट पॉइंट्स के पहले जो लिखा हुआ है, एनी कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी, क्या ये बात समझ आती है? कैपिटल चाहे इन्वेस्ट की हो चाहे ना की हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लीजिए whether or not, point number one, capital is invested or not, बहुत short में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं business, business का aim क्या, profit, तो मैम अगर profit motive नहीं है, profit motive नहीं है का मतलब not for profit making organization, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? If profit motive is not there, then not for profit making organization. Now, अगर profit motive नहीं है, तो क्या business होगा? क्या उसको industry बोलेंगे? They say कि even though आप ये excuse लो कि ma'am हम तो profit making नहीं है, still आप industry ही कहलाओगे और आपके यहाँ होने वाला dispute will be covered under industrial dispute act. तो यहाँ पे चाहे capital invest करी हो या नहीं की हो, चाहे profit motive हो या ना हो, ठीक है ना, इसलिए लिखा हुआ है एक्टिविटीज कैरिड ऑन विद अ मोटिव टू मेक गेन्स और प्रॉफिट्स, ठीक है ना, वेदर और नॉट कैपिटल इज इन्वेस्टेड और नॉट, प्रॉफिट मोटिव इज देयर और नॉट, प्रॉफिट मोटिव ठीक है, प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, इंक्लूड, अभी जितने पॉइंट्स इंक्लूड्स के लिख रही हूँ उससे डबल पॉइंट्स में लिखूंगी एक्सक्लूड्स के, इंक्लूड यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने बोला कि देखो प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, कैपिटल हो या ना हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर अ इंडस्ट्री, बट इंक्लूड जो स्पेसिफिकली किया है वो किया है एनी एक्टिविटी ऑफ डॉक लेबर बोर्ड, डॉक लेबर बोर्ड समझते हैं भाई, डॉक वर्कर्स कौन होते हैं,
जो कि बेसिकली पोर्ट पे काम करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग का ये सब काम जो करते हैं उसको डॉक वर्कर्स बोलते हैं। तो जो भी लेबर बोर्ड, डॉक लेबर बोर्ड अगर कोई एक्टिविटी कराती है, इंक्लूड्स में यहाँ पे लिख लीजिए, इंक्लूड्स में आई हैव गॉट टू एक्टिविटी, तो इंक्लूड्स में सबसे पहले आएगा एक्टिविटी ऑफ डॉक लेबर बोर्ड। इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा क्वाइट सिंपल, प्रमोशन ऑफ सेल्स अगर आप कर रहे हो किसी बिजनेस की तो क्या वो इंडस्ट्री में आएगा? हाँ जी हाँ, इसलिए लिखा हुआ है एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ सेल्स और बिजनेस और कैरिड ऑन फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट। तो मेन बात यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, एक तो हमको इस केस लॉ का नाम याद रखना है, केस लॉ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, ये लैंडमार्क केस था जो डेफिनेशन देता है इंडस्ट्री की। दूसरा डॉक लेबर बोर्ड को हमको इसमें डालना है, पर फिर ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल इन्वेस्ट हो या प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो। उसके बाद एक लंबी सीरीज मेरे पास है कि क्या क्या इंडस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आएगा, और उसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे जो कि हमको केस लॉ से डराई हुए हैं। तो अभी इतना नोट कर लिया, अगला पॉइंट लिखिए, इंक्लूड्स के बाद हेडिंग डालिए एक्सक्लूड्स या डज नॉट इंक्लूड, ऐसा लिख लीजिए, एक्सक्लूड या डज नॉट इंक्लूड। लंबी लिस्ट है, 7-8 पॉइंट होंगे कम से कम। हेडिंग डालिए एक्सक्लूड्स, क्या क्या इंडस्ट्री में नहीं आएगा। चलिए लिखने से पहले हम सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर फटाफट देखेंगे। सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर, व्हाट डू यू थिंक, क्या इंडस्ट्री है? नहीं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन को हमने एग्रीकल्चर को अलग रखा है। हाँ, अगर कोई एग्रीकल्चर कोई इंटीग्रेटेड वे में हो रही हो, जहाँ पे एक से ज्यादा एक्टिविटी हो और एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरी एक्टिविटी है वो डोमिनेंट फैक्टर हो, तो हम उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। मैम नहीं समझ आया, अब आप एक बात समझो, पहले पढ़ो, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एक्सेप्ट सच एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज कैरिड ऑन इन अ इंटीग्रेटेड मैनर विद एनी अदर एक्टिविटी, ठीक है, कैरिड ऑन विद सम अदर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हम शुगर केन की बात करते हैं, शुगर केन का अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बेसिकली प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या वो एग्रीकल्चर में आता है? हाँ, सिर्फ शुगर केन कर रहे हो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, बट शुगर केन तो हमारा साइड हो गया, मेन बिजनेस क्या है हमारा? शुगर केन का फैक्ट्री है, ठीक है ना, वी हैव गॉट मशीन्स ओवर देयर, सो मेरा शुगर केन इंडस्ट्री है। अब मुझे बताओ, और शुगर केन से शुगर बनाने वाला मेरा इंडस्ट्री है, तो मैं क्या करती हूँ, बाकी सब जगह से शुगर केन का सप्लाई मंगवाती हूँ, ठीक है ना, वो लोग मुझे सप्लाई करते हैं, मैं डिमांड करती हूँ बेसिकली, थोड़ा बहुत मैंने अपना भी एग्रीकल्चर कर रखा है, तो मेरा जो खुद का जो एग्रीकल्चर हो रहा है शुगर केन का, क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो डोमिनेंट एक्टिविटी नहीं है? डोमिनेट एक्टिविटी है उस शुगर केन से शुगर बनाना, क्या ये बात समझ आई? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, सिर्फ शुगर केन कर रहे हो तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर ऑपरेशन माना जाएगा और वो इंडस्ट्री में नहीं आएगा। बट आपका मेन काम क्या है, आपका काम तो है शुगर केन से शुगर बनाना, तो वो आपका डोमिनेट एक्टिविटी कहलाएगा और फिर वो इंडस्ट्री में आएगा, क्या ये बात समझ आती है? सो अगर सिंपल बात करें, एग्रीकल्चर कोई ऑपरेशन है तो वो इंडस्ट्री में नहीं आएगा, एक्सेप्शन मैंने आपको बताया। अच्छा, हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज आपके यहाँ नहीं आता है, इसीलिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे काम करने वाला वर्कर जो होगा उसको मैं इसमें काम करने वाला एम्प्लॉय नहीं बोलूंगी। हम क्या बोला सब ऊपर से गया, ध्यान से समझना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिखा है, डिस्प्यूट के लिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दो लोग चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। तो अभी अगर मैं ये बोलूँ कि हॉस्पिटल को मैं इंडस्ट्री नहीं मानती, तो यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, वर्कर है, उसको मैं एम्प्लॉय नहीं मानूंगी यहाँ पे। इसीलिए मैं आगे सिखाऊंगी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को आप वर्कमैन या एम्प्लॉय नहीं मानते हो, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स एक से रिलेटेड हैं, एक वर्ड अगर अच्छे से समझा तो दूसरा मीनिंग समझना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंडस्ट्री नहीं है, दूसरा हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी ये सब इंडस्ट्री में नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, तो यहाँ पे जितने भी आपके एजुकेशनल साइंटिफिक या रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी आपके इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, ठीक है जी, बिकॉज
इनका मेन पर्पस होता है इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, तो वो आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, और जो टिपिकल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स है, सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैम ऊपर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बताया, हाँ, लेकिन ये सारे चैरिटेबल और सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं जो किसी एक कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे हैं। फिलैंथ्रोपी, एक वर्ड आपने सुना होगा, दान करना बेसिकली, वो इनका मेन पर्पज है, तो वो भी आपका इंडस्ट्री में नहीं आएगा। फिर खादी और विलेज इंडस्ट्री नहीं आएगा, बिकॉज ये आपके इनके लिए अपना अलग एक्ट है, पता होगा आप लोगों को। उसके अलावा गवर्नमेंट जो सोवर्जन फंक्शन करती है, सोवर्जन फंक्शन समझते हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट अगर उसको कर रही है तो वो भी इंडस्ट्री में नहीं आने वाला है। फिर कोई डोमेस्टिक सर्विस है तो वो भी नहीं आएगा। आप जो पॉइंट नंबर 8 और 9 है, अगेन इम्पोर्टेंट है, कोई प्रोफेशन है जहाँ पे काम करने वाले 10 से कम है, तो उस प्रोफेशन को भी डेफिनेटली आप इंडस्ट्री नहीं बना लोगे। और सेम वे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक्टिविटी कर रही है जहाँ पे काम करने वाले लोग 10 से कम है, उसको भी आप इंडस्ट्री में नहीं लेके आओगे। तो हम फिर से हम एक सिस्टमेटिक वे में लेके, सबसे पहले दिमाग में जो काम सबसे बड़ा है हमारे इंडिया में, इंडिया बींग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो सबसे पहले काम आता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन का, उसको हम इंडस्ट्री में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो एक्सक्लूड में एकदम शॉर्ट में अगर आप लिखो, तो सबसे पहला एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ये इंडस्ट्री में नहीं आते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, छोटे छोटे वर्ड लिख रही हो, अभी हॉस्पिटल्स लिख के फिर डिस्पेंसरीज इम्प्लाइड हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो रिसर्च और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गया, और कहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा हमने बोला इंस्टीट्यूशन ओन जो चैरिटेबल या सोशल है, ये इस तरीके से लिखेंगे तो क्या सीरीज याद हो जाती है, चैरिटेबल, चैरिटेबल और सोशल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी आपके इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। और चूंकि ये सारे इंस्टीट्यूट्स इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, तो यहाँ होने वाले डिस्प्यूट्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है जी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बोल दिया। उसके अलावा खादी, इसका अपना अलग ही एक्ट है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जो सबवर्जन फंक्शन कंडक्ट कर रही है, एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्टिविटी, रिलेटेड टू सबवर्जन फंक्शन, ओके, और डोमेस्टिक सर्विस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो हम कर रहे हैं ना पॉइंट नंबर 8 और 9, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन में लेकिन ध्यान रखना है कि less than 10% आर देयर प्रोफेशन में, less than 10%, तो इसको आप इंडस्ट्री नहीं बोलोगे। और अगर एक्टिविटी कौन कर रहा है, एक्टिविटी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो एक्टिविटी कर रही है, एक्टिविटी डन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, employing less than 10. देखो यहाँ लॉजिक है, इन दोनों केस में 10 से कम लोग हैं उसको आप इंडस्ट्री मान लोगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना पड़ जाएगा, इसीलिए आपने बोला कि यहाँ पे लोग इतने कम है, इतना झंझट नहीं करते हैं, इसको हम इंडस्ट्री नहीं मानेंगे। क्या ये बात समझ आती है? ना ये जो है ना 9 पॉइंट्स, ये जो है ये तो बेसिकली आपको दिए हुए थे, कहाँ दिए हुए थे ये पॉइंट्स हमको जब एक्ट बना था वहां पे अलग से दिए हुए थे। अभी मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटीज बाद में आई जब गवर्नमेंट, जब लॉ मेकर्स, जब कोई भी एक्ट बनता है ना, उस टाइम लॉ मेकर्स के दिमाग में जो जो आता है वो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख देते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई नई इंडस्ट्री आई, कोई नया एक्टिविटी आया, फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि भैया ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को इंडस्ट्री मानोगे या नहीं मानोगे। ऑब्वियसली अगर इन सब में आ रही है तो नहीं आएगी,
बट एक नई एक्टिविटी आई, मतलब जो इन सब में भी नहीं है, कॉमन में भी नहीं है, उसका क्या करें? तो उसके लिए रेमेडी है केस लॉ। उसमें केस चला होगा और केस लॉ से जो रिजल्ट आता है, मान लिया जाता है कि हाँ अब से ये वाली एक्टिविटी को इंडस्ट्री माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये तो एक्ट में लिखा हुआ था, ओके ओके काइंड ऑफ है। अब जो मैं लिख रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार उस पर क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ये कंक्लूजन डेराइव किया गया है फ्रॉम द केस लॉ। ऐसी प्रॉब्लम डेराइव की गई, ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, क्वेश्चन रेस किया होगा और गवर्नमेंट ने अपना, बेसिकली कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि भैया इसको इंडस्ट्री मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं, एक लाइन ऊपर छोड़िएगा, एक लाइन छोड़िएगा, हम बाद में लिखेंगे। मैं बात कर रही हूँ कि इंडस्ट्री मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब देखिए, पोस्ट एंड टेलीग्राम, समझते हैं ना, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। मैम ये क्या लिख रहे हैं? देखो ये नया ही टाइप का है, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट इन सब में कहीं नहीं आया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको इंडस्ट्री मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसा गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन आया, लॉ मेकर्स के पास ऐसा क्वेश्चन आया। बाय द वे टेलीग्राम आज तो बंद ही हो गया, बट स्टिल जब ये आया था तो पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो लॉ मेकर्स ने ऐसा केस आया, क्योंकि इन्होंने यहाँ तो लिख के दिया नहीं है, तो केस लॉ से डिसाइड हुआ कि पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा। ठीक बात है, इसको हम इंडस्ट्री नहीं मानेंगे। सेम वे अगला क्वेश्चन आया कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगेन केस लॉ की हेल्प से डिसाइड किया गया कि इसको भी इंडस्ट्री नहीं मानेंगे। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, सेंट्रल, ये देखो नए नए नाम आने हैं। ये सारे बेसिकली वो केसेस हैं जो कुछ लोगों ने कोर्ट में लड़े और फाइनली कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज में HE होता है, ये भी इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा। फिर आपके जो नेशनल हाईवेज हैं, कंस्ट्रक्शन होता है इनका, कंस्ट्रक्शन के अलावा इनका मेंटेनेंस भी चलता रहता है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करा रहे हैं, क्या उसको इंडस्ट्री मानेंगे? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे, इसको भी आप इंडस्ट्री नहीं मानोगे। ठीक है, ये एक्सक्लूड है। इसके अलावा पांचवा क्वाइट सिंपल, ट्रेड यूनियन, इसको भी इंडस्ट्री नहीं मानोगे, एक्सक्लूडेड। हमने पहले क्या लिखा था? इंक्लूड, तो अभी यहां पे एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडस्ट्री, यानी इन सब एक्टिविटीज को आप कभी भी इंडस्ट्री नहीं मानोगे, इसलिए लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडस्ट्री। क्या ये बात समझ आती है? उन्होंने स्पेसिफिकली, देखो यहाँ लिखा है एक्सक्लूड, मैम यहाँ और वहाँ में अंतर क्या है? क्या मैं 9, 5, 14 पॉइंट्स क्यों नहीं बोल रही हूँ? बिकॉज ये पॉइंट ऑलरेडी लॉ मेकर्स ने आपको दिए थे और वो सारी नई एक्टिविटीज थी जो कि बेसिकली कोर्ट के पास गया ये इशू और फाइनली कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, इन एक्टिविटीज को आप इंडस्ट्री नहीं मानोगे। सो दीज आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडस्ट्री। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन आएगा वेदर दिस विल बी कवर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज क्या इसको कवर करें इंडस्ट्री में? तो आपको बोलना है कि नहीं ना, ये तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। क्या इतनी बात समझ आती है? क्या इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत है इसमें? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ने के लिए सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किसको इंडस्ट्री बोल रहे हैं, किसको इंडस्ट्री नहीं बोल रहे। तो आपका जो फर्स्ट पेज है नोट्स का, निकालिए एक बार नोट्स का, फर्स्ट पेज में हमारा पूरा कवर हो गया कि इंडस्ट्री में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद अब बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, कि भैया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब हो, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो डिस्प्यूट हेडिंग डालिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एरिया, अब हेडिंग डालेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पहले ये तो समझे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे किसको और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। इस समझने के बाद
हम एक एमिकेबल सॉल्यूशन जो है डराइव करेंगे। तो अगला हेडिंग डालिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का बहुत सिंपल मीनिंग है कि डिस्प्यूट हो रहा है, हमारे डिफरेंसेस है, किसके बीच में डिफरेंसेस है। अगेन देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, ERER, ठीक है, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, वर्कमैन एंड वर्कमैन, ठीक है जी। डिस्प्यूट हो रहा है वो तो समझ आया, किसके बीच में डिस्प्यूट, बिटवीन, BWS, बिटवीन, ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय, सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट होंगे। अच्छा रीजन क्या है डिस्प्यूट का वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन शुड बी ईदर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, एम्प्लॉय किया तो इस तरीके से नहीं किया, या फिर एम्प्लॉय ही नहीं किया, नॉन एम्प्लॉयमेंट, या फिर टर्म्स को लेके। तो यहाँ पे मैं समझूँ कि डिस्प्यूट हो गया ये बात तो ठीक है, बट डिस्प्यूट का कारण क्या है, रिगार्ड्स टू, डिस्प्यूट किस रिगार्ड्स में है, डिस्प्यूट के किस रिगार्ड्स में है, डिस्प्यूट का रिलाइज है या तो फिर एम्प्लॉयमेंट, या तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या फिर एम्प्लॉय नहीं किया इस बात को लेके झगड़ा है, नॉन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। और किस बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट होता है सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, टर्म्स और कंडीशंस। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर डिस्प्यूट है, या फिर जिस कंडीशन में लेबर काम कर रही है, मैं बात कर रही हूँ वर्किंग कंडीशंस की, तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस को लेके डिस्प्यूट हो रहा है। क्या इतनी बात समझ आती है, डिस्प्यूट के ये रीजन हो गए, ये बात क्लियर है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या हुआ, देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन दीज पर्संस, रीजन ये हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है, अब अगेन ये तो जो नोट्स में दिया था वो, अब सवाल ये आता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो डिस्प्यूट के लिए क्या डिस्प्यूट को रेज करना जरूरी है, सोच के बताइए। एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की मैं बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं कि व्हेन अ पर्टिकुलर सिचुएशन विल बी डीम्ड एज डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट के लिए क्या उसको रेज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, तो मान लीजिए एक फैक्ट्री में लेट्स से प्रॉपर फूड फैसिलिटी नहीं है, या फिर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, हो सकता है एक जगह सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, और इस बात को लेके हमेशा झगड़ा रहता है, किसके बीच, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच, ठीक है, मान लिया। अबे क्या किया, डिस्प्यूट, झगड़ा नहीं रेस किया, एम्प्लॉयज ने ये डिमांड करी, किसको डिमांड करी, देखो बॉस को डिमांड करे तो बॉस मान नहीं रहे हैं, तो बॉस को डिमांड नहीं करी, उन्होंने डिमांड करी किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, हम हमेशा बात करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किस केस में होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि माइंस हो गए, पोर्ट्स हो गए, ऑयल फील्ड्स हो गए, तो ये सारे, या फिर किसी सेंट्रल एक्ट में अगर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी सब चीज़ों को रेलवे के लिए लाइक, बाकी सब चीज़ों के लिए स्टेट गवर्नमेंट। तो पॉइंट ये है कि अगर वर्कर्स ने कोई डिस्प्यूट, झगड़ा नहीं रेस किया, उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को एक रेस करी डिमांड, एक यू नो एक अपना बेसिकली एप्लीकेशन लगाई कि सर यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो हमको सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ। तो सिर्फ रेस करना, डिस्प्यूट रेस नहीं हुआ, सिर्फ एक डिमांड करी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, व्हाट डू यू थिंक, क्या इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मान लेंगे, डिस्प्यूट के लिए झगड़ा रेस करना जरूरी है क्या, बताइए जी, यस। तो गवर्नमेंट ने इस केस में बोला कि आपने सिर्फ डिमांड लगाई है, इसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं कंसिडर करेंगे। व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको आप डिस्प्यूट को रेज करो, जब तक डिस्प्यूट को रेज नहीं करोगे दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, क्या लिखना जरूरी है, डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिस्प्यूट विल बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन द सेम हैज बीन रेज्ड बाय द वर्कमैन, ठीक है। डिस्प्यूट विल बी कंसिडर्ड only when seen
been raised by employee to employer. ठीक है ना, employee को employer से ये raise करना चाहिए dispute. ठीक है, मेयर डिमांड, आपने सिर्फ एक छोटी सी डिमांड लगाई किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, विदाउट अ डिस्प्यूट बीइंग रेस्ड, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं मानेंगे. लेकिन यहाँ पे अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, ऐसा कर लीजिए, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, मेयर डिमांड, डिमांड किसको लगाई, मेयर डिमांड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एजी इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, विदाउट dispute being raised, आपने dispute झगड़ा नहीं उठाया, without dispute being raised will not be treated as industrial dispute, will not be treated as industrial dispute. मैम हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आया नहीं, व्हाट डिफरेंस इट विल क्रिएट. देखिए जी, हर बात का डिफरेंस क्रिएट होता है. अगर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं गया, मतलब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं है, और चूंकि अगर ये डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं है, तो यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो रेमेडीज अवेलेबल है, जो बेनिफिट अवेलेबल है, वो नहीं मिलेंगे. ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्प्यूट के लिए आपको उसको रेस करना पड़ेगा, एक डिमांड लगाए कि सर जी प्लीज सैनिटेशन फैसिलिटी लगा दो, इसको हम डिस्प्यूट नहीं मान सकते हैं. क्या ये बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे करेंगे कि इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल डिस्प्यूट, वेदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, चलिए इसको भी कर लीजिए. उसके बाद हम करेंगे बेसिकली वर्कमैन, जो लिखा हुआ ना एम्प्लॉई कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हम वो करेंगे. तो पहले ये देख लीजिए, सवाल ये आता है कि मैम चलिए ठीक है, हमने डिस्प्यूट को रेस करना है तभी वो डिस्प्यूट कहलाएगा, खाली डिमांड डिस्प्यूट नहीं कहलाएगा. ये जो पॉइंट आपने बताया इसको कंसिडर किया, बट इस पॉइंट को कंसिडर करके अगर सिर्फ एक पर्सन, वन इंडिविजुअल अगर रेस करता है, तो क्या उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेंगे, पूरी इंडस्ट्री का डिस्प्यूट मान लेंगे क्या? बताइए जी, व्हाट डू यू थिंक? वो जो हेडिंग लिखी हुई है ना, इंडस्ट्री इंडिविजुअल डिस्प्यूट, वेदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, बहुत ध्यान से करिएगा इसको. तो क्वेश्चन ये आता है कि वो कैन अराइज बेसिकली अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को कौन रेस कर सकता है, क्या एक इंडिविजुअल आदमी, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ऑल्दो एक्ट यूज करता है वर्क टर्म, जो एक्ट यूज करता है वर्कमैन यूज करता है, हम वर्कमैन को अलग से समझेंगे, बट अभी हम ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वर्कमैन मतलब एम्प्लॉय, ठीक है. अभी ये बताइए कि वो एक्चुअली कैन रेज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट डेफिनेटली कौन लेके आएगा, वर्कमैन लेके आएगा. तो पॉइंट ये है कि वो इंडिविजुअली अगर डिस्प्यूट लेके आ रहा है तो क्या उसको माना जाएगा या नहीं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक सिंगल वर्कमैन कोई डिस्प्यूट रेस करता है तो डैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. फॉर एग्जांपल, एक मान लीजिए एम्प्लॉय की बॉस से नहीं बनती, हो सकता है हमेशा उन दोनों के बीच कुछ कुछ चलता रहता है, अगर वो कोई डिस्प्यूट रेस करता है, बिना बात ही डिस्प्यूट रेस कर रहा है, कोई इशू नहीं है, तो क्या उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मान ले? नहीं, वो उनका आपसी मामला है. तो इसलिए बोला गया है इंडस्ट्रियल वर्क एंड रेस डिस्प्यूट में, देखिए that dispute between an employer and a single workman does not fall within the definition of industrial dispute. क्या ये बात समझ आती है? एक person अगर कर रहा है तो हम उसको industrial dispute नहीं मान लेंगे. At least a section of persons, कुछ group बना के आओ तब तो हम तुम्हारी demand सुने. ऐसे एक एक करने के, एक एक अगर लोग dispute करने लग जाएं तो भैया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना. इसलिए लिखा हुआ है workmen as a body or a considerable section of them makes a common cause. अगर आप सारे लोग मिलके कॉमन कॉज के लिए फाइट करो विद द इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है ना, एक पर्सन गया, अवेयर एक पर्सन हुआ कि सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, उसने सब ग्रुप ऑफ पर्सन को अपने साथ मिलाया, अब वो सब लोग मिलके अगर यू नो ये डिस्प्यूट रेस कर रहे हैं तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे, ठीक है जी. इसलिए लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ कलेक्टिव डिस्प्यूट सपोर्टेड बाय ईदर अ ट्रेड यूनियन और अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फेलो वर्कर्स. तो अगर ये क्वेश्चन आता है वो कैन रेज अ इंडस्ट्रियल
क्वेश्चन आया कि भैया डिस्प्यूट कौन रेज करेगा, तो सिंगल वर्कमैन नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वहां पे, कलेक्टिव डिस्प्यूट। ठीक है, कलेक्टिव डिस्प्यूट होना चाहिए, नॉट अ सिंगल वर्कमैन। बट हाँ, अगर कोई स्पेशल केस है, कौन सा केस है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को आपने डिस्चार्ज किया, डिसमिस किया, रिट्रेंच किया, तो इस केसेस में सिंगल वर्कमैन भी डिस्प्यूट रेज कर सकता है। कलेक्टिव डिस्प्यूट होना चाहिए एंड नॉट अ सिंगल वर्कमैन। Not raised by a single workman. अब जो ऊपर वाली बात मैंने लिखी है कि सिंगल वर्कमैन नहीं कर सकता, उसके एक्सेप्शन क्या है, अगर आपने किसी को डिस्चार्ज कर दिया, एक एम्प्लॉय को आपने डिस्चार्ज कर दिया, डिसमिस कर दिया, रिट्रेंचमेंट, ये सब टर्म्स हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, ऑल दीज आर टेक्निकल टर्म्स, इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ऐसे सिचुएशन में आप देखो, जब इस टाइप की सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन यानी समझ आता है, इन दीज केसेस इवन अ सिंगल वर्कमैन कैन रेज द डिस्प्यूट। क्या ये बात बहुत क्लियरली कन्वे हो रही है आप तक? फिर से समझ लीजिए, डिस्प्यूट में नॉर्मली कलेक्टिव डिस्प्यूट होता है, एक सिंगल वर्कमैन डिस्प्यूट नहीं रेज करता, ही शुड बी बैकअप, यू नो, उसका सपोर्ट होना चाहिए फेलो वर्कर्स या ट्रेड यूनियंस का। बट हाँ, ये जो केसेस है, कौन से केसेस, रिट्रेंचमेंट, डिसमिसल या डिस्चार्ज, इस केसेस में एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि इवन अ सिंगल वर्कमैन कैन रेज द डिस्प्यूट। इसीलिए लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ हुआ था, देखिए आप, दीमा कुचीटी स्टेट। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ कि नेसेसिटी ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, बात समझ आती है, एक कॉमन कॉज के लिए सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, whether the concerned workman was or not a member of the union at the time of his dismissal. अब देखो, एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है ना, उसमें कुछ लोग मेंबर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब अगर कुछ लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, इवन दो वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स नहीं है, स्टिल वो वैलिड फाइट कही जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट। क्या लिखा है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं, एक कॉमन कॉज के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, तो देयर शुड बी अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये होना चाहिए, दिस शुड बी प्रेजेंट। अगर ये है तो फिर चाहे वो वर्कमैन उसमें बेसिकली ट्रेड यूनियन का पार्ट है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के लिए झगड़ा हो रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसलिए देखो, उस पैराग्राफ में लास्ट लाइन लिखी हुई है, by having a common interest therein would be justified in taking up the dispute as their own and exposing it. तो कॉमन कॉज होना चाहिए, क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट इसी में किसी को भी, एनी कंफ्यूजन? तो हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, फिर अगला सवाल आया कि डिस्प्यूट कौन रेस कर सकता है। हालांकि हमको एम्प्लॉय, अभी तक हमने आपको वर्कमैन या एम्प्लॉय नहीं सिखाया, वो अब डिस्कस करूंगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि एक सिंगल वर्कमैन, ये जो वर्कमैन है ना, हम ये डिस्कस करने वाले कि एक सिंगल वर्कमैन नहीं डिस्प्यूट को रेज करेगा, कलेक्टिव यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग होना चाहिए। डिसमिसल और डिस्चार्ज और रिट्रेंचमेंट के केस में कल सिंगल वर्कमैन भी रेज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए कि एम्प्लॉय किसको बोलेंगे या वर्कमैन किसको बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉस हमको करने हैं, क्योंकि ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि एम्प्लॉयर तो ठीक है, एम्प्लॉय कौन होगा ये समझे पहले। एम्प्लॉय बोलिए या फिर वर्कमैन, कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट, किस पर्सन को हम बोलेंगे कि हाँ भैया तुम वर्कमैन हो, तुमने डिस्प्यूट रेस किया है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो वर्कमैन का मतलब हो गया एनी पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है ना, एनी पर्सन एम्प्लॉयड। अब पर्सन को एम्प्लॉय किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम कराएंगे, तो काम किस किस टाइप का हो सकता है, एम्प्लॉयड टू डू काम, मैनुअल भी हो सकता है,
स्किल्ड या अनस्किल्ड काम भी हो सकता है, ठीक है ना। काम टेक्निकल भी हो सकता है, क्लरिकल भी हो सकता है, टेक्निकल या क्लरिकल। क्या ये बात समझ आती है? ऑपरेशनल भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी। बहुत ध्यान से समझिएगा, फैक्ट्री में किस किस टाइप के काम हो सकते हैं, हमने सारी कैटेगरी देख ली कि एनी पर्सन एम्प्लॉयड टू डू मैनुअल, चाहे वो मैनुअल काम करे, स्किल्ड अनस्किल्ड टेक्निकल क्लरिकल ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी, ऐसा किसी भी टाइप का काम करेगा तो वो हमारा वर्कमैन कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? भाई हर कैटेगरी के लोग जो है, अलग अलग टाइम के लोगों को हमको वर्कमैन तो कंसिडर करना ही चाहिए, क्योंकि वर्कमैन होंगे तभी वो डिस्प्यूट को रेस कर पाएंगे और तभी वो डिस्प्यूट हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आएगा। इतनी बात क्लियर है? बट ध्यान रखना है, डज नॉट इंक्लूड में, क्या मैंने यहाँ पे मैनेजरियल लिखा, क्या मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा? That means a person which is mainly involved in the managerial or in the administrative functions, उसको हम जो है workman नहीं मानेंगे। क्या लिखा हुआ पहला point? Person employed mainly in managerial or administrative capacity. तो यहाँ पे does not include इधर लिखिए, उसके बाद मैं case laws कराऊंगी इन सबको रख करके। Does not include में person employed mainly in, कहाँ काम कर रहा है? Managerial और administrative capacity, administrative capacity। भैया जो basically managerial level का है ना, उसको फिर आप यहाँ पे workman नहीं मानोगे। क्या ये बात समझ आती है? Person involved mainly, जो word important है वो word है mainly। That means, कभी-कभी क्या होता है, किसी person को occasionally आपने managerial level के काम दिया। ना मान लीजिए हमारा जो owner है, ठीक है, वो खुद manage, छोटा सा organization है, sole proprietor समझ लीजिए, तो हमारा जो owner है वो खुद ही manage करता है, administer करता है। अभी उसको emergency हुई तो उसको out of station जाना पड़ा, तो उसने temporary occasionally इस टाइप के जब मौके आते हैं, जब उसको साल में एक बार कहीं जाना पड़ता है कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, तो चार दिन के लिए उसने अपने अंडर में काम करने वाले सबसे भरोसेमंद आदमी को देखा। सबसे भरोसेमंद कौन है? और जो उसको सबसे भरोसेमंद लगा, वफादार लगा, उसने बोला कि देखो मैं जा रहा हूँ, चार दिन के लिए तुम मैनेज करो। चार दिन के तुम मैनेज करो का मतलब, चार दिन के लिए तुम जो एम्प्लॉई हो उसके अलावा मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले फंक्शंस को परफॉर्म करो, डिसीजंस लो। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, वो जो वर्कर है, लेट्स से वर्कर का नाम है मिस्टर एक्स, क्या वो रेगुलरली मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करता है? नहीं, रेगुलर में तो बेचारा क्लैरिकल काम कर रहा है, ठीक है ना। बट बिकॉज बहुत पुराना है हमारा जो क्लैरिकल काम कर रहा है, बहुत पुराना अकाउंटेंट है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है भैया चार दिन तक तुम भी संभालो। सो दिस इज जस्ट अ ओकेशनल, यू नो, ओकेशनल एंट्रस्टमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू डू मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उसको हम यहाँ नहीं मानेंगे, उसको हम वर्कमैन ही मानेंगे। मतलब नॉर्मल आदमी, जो आप बेसिकली ओकेशनली अगर कोई मैनेजरियल लेवल का काम करता है तो हम उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जिसका रोज का ही काम है मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का, उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? इसमें लिखा हुआ है डज नॉट इंक्लूड में पर्सन इन्वॉल्व मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जिसका रेगुलर काम ही यही है उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ओकेजनल वाले को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा पर्सन एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड ड्रॉइंग वेजेस एक्सीडिंग 10,000 पर मंथ, क्या लिखा हुआ है? सुपरवाइजरी कैपेसिटी, सुपरवाइजरी कैपेसिटी में पर्सन इन्वॉल्व है, सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग वेजेस, क्या लिखा हुआ है? एक्सीडिंग ₹10,000 पर मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, पर्सन एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी एक्सीडिंग 10,000 पर मंथ। थोड़े टाइम पहले ही इसका जो लिमिट था डाटा 1600 पर मंथ,
इसीलिए जब आप MCQs देखोगे तो हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन हो जहाँ पे स्टिल 1600 पर मंथ का वहाँ पे बेसिकली क्राइटेरिया वो, बट जो लेटेस्ट लिमिट है वो है आपके 10,000 पर मंथ। क्या ये बात क्लियर है? तो पर्सन एम्प्लॉयड है कौन सी कैपेसिटी में? सुपरवाइजरी कैपेसिटी में। यहाँ पे देखो सुपरवाइजर वर्क लिखा है, मतलब नॉर्मली सुपरवाइजर वर्क जो होता है उसको हम वर्कमैन में मानेंगे, बट देन सुपरवाइजर कैपेसिटी में है और वेजेस उसका एक्सीड हो रहा है 10,000 से, तो फिर हम उसको जो है यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अगर मैम सुपरवाइजर कैपेसिटी में और वेजेस जो है लेस देन 10,000 पर मंथ है तो फिर वो डेफिनेटली इंक्लूड होगा वर्कमैन की लिस्ट में। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा जी, इतनी बात अगर समझ में आती है तो इसके अलावा हमारे पास कुछ लोग जो स्पेशल एक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका आर्मी एक्ट हो गया, एयरफोर्स एक्ट हो गया, नेवी एक्ट हो गया। कौन से तीन नाम बोले? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। दैट मीन्स ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो अलग एक्ट लगता है, आर्मी वालों का अपना एक्ट चलता है, नेवी वालों का अपना एक्ट चलता है। सो व्हेनेवर एनी स्पेशल एक्ट इज एप्लीकेबल देन दैट पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट विल ओवरराइड, ठीक है ना, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वहाँ पे नहीं लगेगा। इसलिए लिखा हुआ है डज नॉट इंक्लूड मे पर्सन हु आर सब्जेक्टेड टू सम स्पेशल लॉ। यहाँ लिखिए पर्संस who are subjected to special act, example में अगर उनके ऊपर army act लग रहा हो, navy act लग रहा हो, ठीक है, air force act लग रहा हो, तो इन लोगों को हम जो है persons involved work में नहीं मानते हैं। क्या ये बात समझ आती है? इन लोगों को आप वर्क में नहीं मानोगे। कौन से लोगों को? जिनके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा हो। नॉर्मल सेंस में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे लिमिट मैंने फिर से बता चुकी हूँ, अर्लियर लिमिट थी 1600। अभी भी क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है 1600 लिमिट आपको दिखे, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हम करेंगे वहां पे 1600 के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होगा, बट नाउ इट्स 10,000। बाकी मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में बार बार थ्योरेटिकल में ये बात आती है, जिनका मेन फंक्शन है सिर्फ उन लोगों को एक्सक्लूड किया है, ओकेशनल इंट्रस्टमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ ड्यूटीज विल नॉट टेक अ पर्सन आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ वर्कमैन। ये बात क्लियर है एकदम? इतना समझ आया है तो मैं 4-5 केस लॉस डिस्कस करना चाहूंगी, सिचुएशन दूंगी और आपको मुझे बताना होगा कि मैम ये सिचुएशन में इसको वर्कर मानेंगे, वर्कर इन द सेंस वर्कमैन मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है ना। वर्कमैन में फिर से डिस्क्राइब कर रहे, नॉर्मल सेंस में हम जो एम्प्लॉय बोलते हैं वही यहाँ पे वर्कमैन है, ठीक है। चलिए लिखिए केस लॉस, या हेडिंग नहीं डालिए, स्पेशल केसेस लिखिए, एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी स्पेशल केसेस लिखिए, मैं आपको 4-5 सिचुएशंस बताऊंगी, यू नीड टू टेल मी कि मैम इसको वर्क में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, हमारी एक कंपनी है, कंपनी ने उसका जो एमडी है ना, कंपनी ने एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर को बंगलो दे रखा है, होता है कि नहीं होता है? हो सकता है, कंपनी है मैनेजिंग डायरेक्टर को बंगलो दे रखा है, ठीक है जी। अब बंगलो का ये बड़ा सा बंगलो दे रखा है। अब ये जो बंगला है इसका जो गार्डनर या माली, बहुत अच्छा सा गार्डन मेंटेन करके रखता है माली, बहुत अच्छा काम करता है ना, ये जो है ना गार्डनर और माली, ये अपनी अटेंडेंस कहाँ लगाता है? मार्क हिज अटेंडेंस इन कंपनी रजिस्टर। ये मिस्टर एमडी अलग से कहीं से नहीं लेके आए, बल्कि ये कंपनी ने ही इनको बंगलो दिया था। बहुत सारे केसेस करने वाले हैं, कंपनी ने इनको बंगलो दिया
और ये जो गार्डनर है ये बेसिकली अपनी अटेंडेंस लगाता है कंपनी के रजिस्टर में, इसका जो सैलरी या जो भी इसको देना है वो कौन पे करता है, कंपनी पे करती है। तो इसका इसकी जो सैलरी गार्डनर सैलरी, ये सब मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ, पेड बाय कंपनी, सीईओ इज कंपनी। अभी तक जो मैंने बताया वो मैंने आपको फैक्ट बताया है, मतलब किसी भी केस के बारे में अगर हम बात करें तो हमको पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको फैक्ट बताया कि कंपनी ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को एक बंगलो दिया, बहुत अच्छा सा गार्डन उसमें मेंटेन कर रखा है, उसको मेंटेन करने के लिए उसने माली को लगाया। अब वो जो माली है वो अपनी अटेंडेंस कहाँ मांग करता है, कंपनी के रजिस्टर में। उसकी सैलरी कौन पे करता है, कंपनी पे करती है। तो क्वेश्चन ये आया कि ये जो गार्डनर है whether this gardener will be treated as workman or not, इसको workman मानेंगे या नहीं मानेंगे, सवाल ये आया, बताइए क्या लगता है। अब कंपनी क्या कर रही थी उससे मतलब नहीं, किसी बच्चे ने पूछा मैम कंपनी क्या कर रही थी, भाई कंपनी डेफिनेटली मालिक का काम तो नहीं कर रही होगी, कंपनी कोई प्रोडक्शन किसी चीज का कर रही है उसमें मालिक का कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ बंगलो के मेंटेनेंस के लिए उसने गार्डनर को प्रोवाइड किया है। बताइए जी गार्डनर को आप वर्कमैन मानोगे या नहीं मानोगे, बिकॉज कल दिन अगर इंडिया और गार्डनर का कोई झगड़ा हो गया तो वो केस गया, अब उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट माने या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माने या नहीं माने, सवाल ये आता है। तो पॉइंट इज यहाँ पे डिसाइड किया गया कि इसका देखो अटेंडेंस भी कंपनी का रजिस्टर में मांग कर रहा है, सैलरी भी इसको कंपनी दे रही है, ठीक है ना। अल्टीमेटली सैलरी इंपॉर्टेंट है, सैलरी कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। सिर्फ ये कहना कि जब कंपनी सैलरी दे तो वो वर्कमैन होगा ऐसा भी नहीं है, हम कुछ केसेस देखेंगे जहाँ पे कंपनी ने सैलरी पे की है, यानी इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी बट स्टिल दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्कमैन। तो यहाँ पे बात ये है कि आपका जो वर्कमैन है उसको वर्कमैन माने या नहीं माने। तो इम्पोर्टेंट बात यह कि कंट्रोल किसके पास है, ये जो गार्डनर है इसका कंट्रोल है कंपनी के पास, 3 दिन यहाँ अगर काम करना है किसी दिन कंपनी ने बुला लिया तो पहले वो कंपनी में जाएगा, एमडी के घर पे नहीं आएगा। तो इस केस में ये देखा गया कि कंट्रोल किसका है, गार्डनर पे कंट्रोल है कंपनी का, ठीक है ना। दैट इज व्हाई दिस पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ वर्कमैन। अब आप इमेजिन करो कि हमारा वर्कमैन का डेफिनेशन कितना वाइड है, कितना ब्रॉड है। आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि दोस पर्सन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन हम सिर्फ उनको वर्कमैन मानेंगे, ऐसा नहीं है। जो कनेक्टेड है, एमडी काम कर रहा है वो तो है ही, बट उससे कनेक्टेड है ये पर्सन हमारा गार्डनर, इसको भी हम वर्कमैन मानेंगे। यानी आप सोच के देखो डेफिनेशन को कितना वाइड किया है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, जो कनेक्टेड भी है ना हमारे एम्प्लॉय से उसको भी हम वर्कमैन मान रहे हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में केस में लिखिए कंट्रोल ऑफ गार्डनर is with company, therefore gardener is a workman, इसको हम workman treat करेंगे। क्या ये बात समझ आती है, बहुत सारे cases बहुत important, इसीलिए हमको अलग अलग उसका पूरा fact समझना पड़ेगा। क्या ये कोई दिक्कत है इस case को समझने में। अच्छा अगला केस देखिए, अगला केस फिर एक कंपनी का है, सीओ इज कंपनी, सीओ मतलब कंपनी। अच्छा नेक्स्ट केस में क्या हुआ, कंपनी ने अभी क्या दे रखा था, बंगलो दिया था। अगले केस में कंपनी के एमडी को एक कार प्रोवाइड कर दी, कंपनी के एमडी को एक कार प्रोवाइड करी गई, ठीक है। चलिए कार दी गई, अब ये कार जो है वो बैंक के एक्सपेंस, ये बेसिकली एक बैंक मैनेजर को प्रोवाइड की गई थी, एमडी की अगर मैं बात करूं तो एक बैंक है उसने अपने बैंक मैनेजर को, जो भी एरिया मैनेजर है उसको गाड़ी प्रोवाइड की। अब ये जो कार है, कार इज मेंटेन्ड, गाड़ी में खर्चा होता है मेंटेनेंस का, फ्यूल एंड ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, तो कार इज मेंटेन एट बैंक एक्सपेंस। कार कैसे मेंटेन हो रही है, बैंक के खर्चे पे, मतलब जो मैनेजर है वो पैसा नहीं दे रहा है पेट्रोल का, पेट्रोल का पैसा कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है। अब मुझे बताइए
कि क्या इस केस में ड्राइवर का सैलरी और वो सारी चीजें पूरी की पूरा जो एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस की बात करते तो मैं बात करती हूँ सिर्फ फ्यूल की नहीं, कार खराब हो गया तो भी ड्राइवर का सैलरी एक्सेट्रा ऑल द एक्सपेंसेस आर एक्चुअली बोर्न बाय द बैंक। तो क्वेश्चन ये आता है वेदर दिस कार ड्राइवर, ये जो ड्राइवर है कार ड्राइवर, इसको आप वर्कमैन मानोगे या नहीं मानोगे, बताइए जी। कार ड्राइवर को वर्कमैन मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैम यहाँ इस केस में देख के लग रहा है कि हाँ वर्कमैन मानेंगे, क्यों? क्योंकि उसका अल्टीमेटली सैलरी कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है, जैसे यहाँ कंपनी से आ रहा था वहां बैंक से आ रहा है, तो क्या हम इसको वर्कमैन मान लें बैंक का? आपने तो बोला था ना कि बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो पर्सन यानी ये वाला पर्सन बैंक मैनेजर तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये जो कार ड्राइवर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट कनेक्टेड है, तो इसको भी एम्प्लॉय मान लें? नहीं, क्योंकि कार ड्राइवर पे आप देखो बैंक का कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना? वो कब आएगा कब जाएगा सब कुछ कौन डिसाइड करता है? एरिया मैनेजर। तो यहाँ पे कार ड्राइवर इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बैंक, गाड़ी और उसका ड्राइवर दोनों ही बैंक के कंट्रोल में नहीं है। एक बार एरिया मैनेजर को दे दिया, अब वो सिर्फ एक बार बिल सबमिट करता है और बस पैसे दे दो, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बैंक, therefore he is not a workman। gardener पे पूरा कंट्रोल था, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। भैया गाड़ी तुमको दे दी, ठीक है ना? यहाँ पे भी देखो गार्डन दिया है बट कंट्रोल किसके पास है? कंपनी के पास। वहां पे गाड़ी भी कंट्रोल नहीं है, ड्राइवर पे भी कंट्रोल नहीं है, हमारे जो मिस्टर मैनेजर है सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। तो इस केस में बोला गया कि इवन दो सैलरी आ रही है बैंक से, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि सैलरी कौन पे कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल ऑफ द गार्डनर इज विद कंपनी, वहां पे कंट्रोल नहीं है। पैसे तो स्टिल बैंक से ही आ रहे हैं, स्टिल हम उसको बैंक का वर्कमैन नहीं मान सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? पक्का एकदम अच्छे से? चलिए अगला, टीचर्स, अब हमारी बात करते हैं टीचर्स, बताइए जी, टीचर्स विल बी कंसिडर्ड एज वर्कमैन? भाई टीचर्स भी किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमको वर्कमैन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, बताइए, वेदर टीचर्स आर कंसिडर्ड एज वर्कमैन और नॉट? टीचर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो टीचर्स है क्या उनको वर्कमैन माने? देखो वर्कमैन मानने से पहले एक बात समझो कि वर्कमैन के लिए मैंने आपको क्या लिखा था, डेफिनेशन मैंने रब कर दी, मैंने लिखा था टू डू एनी स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल, यही सब लिखा था, टेक्निकल क्लैरिकल। बट टीचर्स का मेन काम क्या होता है? टीचर्स का मेन काम क्या होता है? इम्पार्टिंग ज्ञान देना, नहीं नहीं ज्ञान अलग चीज है, बेसिकली हमारा काम है इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना? तो टीचर्स का मेन काम है, जितना लाइटली आप लोग ले रहे हो उतना लाइटली मत लो, ये सब सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हुए हैं, हम तो सिर्फ उसका क्रक्स ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ उसका क्रक्स में आपको बता रही हूँ, डिटेल्ड केस लॉ डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे टीचर्स का मेन पर काम क्या है? इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन। अब इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन को ना आप स्किल्ड और अनस्किल्ड तो नहीं बोल सकते हो, भाई डेफिनेटली स्किल्ड काम है, बट बात ये है कि क्या उसको मैनुअल में डालें? यहाँ पे जो वर्ड मैनुअल लिखा है उसका मतलब फिजिकल से है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एग्जर्शन से नहीं है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरा यहाँ पे फिजिकल काम नहीं हुआ, माइन इज अ इंटेलेक्चुअल जॉब, ये बात समझ आती है कि नहीं? तो इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन में आप ये नहीं बोल सकते कि मैनुअल काम है, बिकॉज वहाँ पे मेंटल और इंटेलेक्चुअल काम है, इसीलिए टीचर्स जिनका मेन काम है एजुकेशन देना, इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, दे आर नॉट ट्रीटेड एज वर्कमैन। टीचर्स नॉट ट्रीटेड एज वर्कमैन, टीचर्स को आप वर्कमैन नहीं मान सकते हो, बिकॉज उनका काम होता है इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, जो कि मैनुअल में नहीं आ सकता है। मैं फिजिकल और फिजिकल एग्जर्शन की बात नहीं कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल और मेंटल एग्जर्शन की।
तो वो यहाँ पे नहीं आएगा. तो टीचर्स को आप वर्क में नहीं मानोगे. ये बात एकदम क्लियर है? इज दिस ओके? इनका मेन काम है इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन. मैनुअल में फिजिकल एग्जर्शन आता है, मेंटल एग्जर्शन नहीं आता. अच्छा, केस नंबर 4 और लिख लीजिए. सेल्समैन, सेल्समैन समझते हैं? कंपनी के सेल्समैन जो बेसिकली सेल करते हैं प्रोडक्ट को, मार्केटिंग करते हैं. आपके जो सेल्समैन है इनका काम क्या है? यूजुअली इनका मैनुअल या क्लरिकल काम होगा. मैनुअल इन द सेंस की जगह जगह उनको जाना पड़ता है, नॉक नॉक नॉक, सर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा क्या? तो इनका काम मैनुअल काम हो गया, प्लस थोड़ा बहुत क्लरिकल काम भी अगर ये सेल्समैन कर लेता है, लाइक मैनेजर को असिस्ट कर दिया, जो आइटम बेच के आया है उसका मेमो बना दिया, बिल बना दिया. तो सेल्समैन को क्वेश्चन आया कि वेदर द सेल्समैन विल बी कंसिडर्ड एज अ वर्कमैन और नॉट. बताइए जी, सेल्समैन को वर्कमैन माने या नहीं माने? सेल्समैन डेफिनेटली वर्कमैन होगा. व्हाई सो? बिकॉज पहला उसका जो जॉब है वो डायरेक्ट उस लिस्ट में आ रहा है, मैनुअल काम कर रहा है, क्लरिकल काम करता है, मेमोज बनाना डे टू डे लाइफ में सेम काम, क्लरिकल काम. तो यहाँ पे सेल्समैन को आप जो है वर्कमैन कंसिडर करोगे. सेल्समैन विल बी कंसिडर्ड एज वर्कमैन. क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, लास्ट पॉइंट. नाउ यू हैव बेसिकली, अगेन लास्ट पॉइंट हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल मैं बताती हूँ. लेट्स से यू आर इन सच अ पोजीशन दैट नॉर्मली यू आर हैविंग अ सबॉर्डिनेट. हम ऐसे पोजीशन में काम करते हैं कि हमारे अंडर में कुछ लोग काम करें, एंड कंटिन्यूसली आई हैव टू ओवरसी देयर वर्क. ठीक है ना, मुझे उनका वर्क देखना पड़ता है, उनको बेसिकली गाइड करना पड़ता है, ये मेरा यूजुअल काम है. तो जब मैं उन लोगों का काम चेक कर रही हूँ, उनको गाइड कर रही हूँ, उनको काम डेलीगेट कर रही हूँ, तो कहना चाहिए कि मैं मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर रही हूँ. एंड बिकॉज आई हैव गॉट सबॉर्डिनेट्स एंड आई एम वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, सो आई विल नॉट बी ट्रीटेड एज द वर्कमैन. क्या ये बात समझ आई? हाँ जी. बट देन ओकेजनल इंट्रस्टमेंट ऑफ दीज ड्यूटीज, ठीक है ना, ओकेजनली अगर ऐसा काम करती हूँ तो मैं वर्कमैन ही कहलाऊंगी, चाहे मैंने थोड़े टाइम के लिए मैनेजरियल का काम किया हो. क्या ये बात क्लियर है? तो मेरे पास यहाँ पे 4 केस लो, 5वां हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कंपनी ने कोई भी फैसिलिटी दी, आपको ये देखना है कंपनी या किसी और फॉर्म, लीगल फॉर्म में अगर इंस्टीट्यूशन ने कोई भी फैसिलिटी दी, व्हाट यू नीड टू सी इज द कंट्रोल. कंट्रोल किसके पास है? जिस पर्सन को फैसिलिटी दी उसके पास या फिर इंस्टीट्यूशन के पास? अगर इंस्टीट्यूशन के पास कंट्रोल है तो उसको हम वर्कमैन या फिर एम्प्लॉय मानेंगे, ठीक है. और टीचर का अपने आप में एक स्पेशल केस है. ऊपर वाले दोनों केसेस में, केस 1 और केस 2 में, सिर्फ ये नहीं देखना कि मैम पेमेंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ भी पेमेंट कंपनी दे रही है, वहाँ भी पेमेंट जो है हमारी बैंक दे रही है, बट इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे गार्डनर पे कंट्रोल है, कार ड्राइवर पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड समझा, प्लस हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है, कौन डिस्प्यूट रेस कर सकता है, और वर्कमैन. अगले लेक्चर में हम प्रोसीजरल लेवल पे बात करेंगे कि डिस्प्यूट अगर हुआ तो उसको कैसे सेटल कराना है. नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा का पूरा सेटलमेंट की बात करेगा, ठीक है. सो प्रोसीजरल पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे. एज ऑफ नाउ तो हम सिर्फ वो पर्सन को जान रहे कि कौन एम्प्लॉयर, कौन एम्प्लॉय, क्या डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे डिस्प्यूट किसको बोलेंगे, और वर्कमैन कौन है, ठीक है. That's it for the day. Rest we will continue in the next lecture. Thank you.